अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो वेलकम करते हैं आप लोगों को आफाक फ्रेज़लाज में। आज हम आप लोग के लाए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक वीडियो। कराकर इलेक्ट्रॉनिक्स के आपने को लिए वीडियो काफ़ी देखी है, वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हो क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाए पानी का ड्राइवर का शोर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोगों को वॉइस ओवर करो। आज हम जा रहे हैं स्वात में कालाम ग्रीन टॉप दिखाने वाले। तो ये है ड्राइवर, ठीक है व्यूअर्स, बहुत ही तेज़ हवा और अभी हम आप लोगों को इसकी ब्यूटी दिखाएंगे। नेचुरल ब्यूटी है हमने आप लोगों को बहुत ज्यादा शौक किया, लेकिन हम अभी आप तो ये है कालाम की खूबसूरती और ये है ग्रीन टॉप, ये जो मैं आपको जूम करने वाला हूँ। तो 2 घंटे तकरीबन जाने में लगते हैं और 2 घंटे पर वापस आने में, तकरीबन 4 घंटे पैदल रास्ता है। गाड़ी से भी जा सकते हो लेकिन हाइकिंग करना है। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखना और अपनी कीमती राय के साथ हमारे वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देना है ताकि आप लोग को सब पसंद आए। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा। तो कमरे की खूबसूरती के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये हमारा कमरा है और सामने आप लोगों को ये ड्राइवर मिलने जा रहा है और ये आप लोगों को मिलने जा रहा है कालाम का मेन बाजार। ये भी आप लोग अभी बारिश का खतरा है तो हम अभी ऊपर चढ़ेंगे, अगर बारिश शुरू हो गई तो हमारे जान को खतरा भी हो सकता है। मैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज रहता हूँ, आपसे भी इम्पोर्टेंट, अगर आपको अगर मुझे जरूरत पड़े ना तो आपको उस जगह से नीचे गिराऊंगा, लेकिन इस पर नहीं। लेकिन इस व्लॉग में मेरे साथ देने वाला है मेरा दोस्त रेहान और ये हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी है जो हाइकिंग के लिए पेशावरी चप्पल यूज करते हैं और ये है हमारे स्क्वाड का जो लेजर, ठीक है, ये हमारे साथ कोच है, मतलब गाइड बोलने वाला है, ठीक है, हमें तक पहुंचाएगा, मतलब ये हमें दोस्त वगैरह सब कुछ बताएगा, ये हमें गाइड करेगा। आपको पता है मेरा रोल क्या है इस ग्रुप में? हां, इसने अपने अंदर पूरी सेट किया है और पूरी और ये सब कुछ अगर मैं चाहूं ना तो आप सबका इंटरनेट बंद कर सकता हूं, इतना पावर है। ग्रुप में कुछ इस तरह के बंदे भी चाहिए जो आपको बिल्कुल सेम इसी तरह का एंटरटेन करे, तो हमारे साथ रहेगा। व्लॉग का मजा तो आप लोग को वैसे भी आने वाला है, तो अभी हम जा रहे हैं और अभी आप लोग को व्यू थोड़ा और भी शो कर देते हैं, तो ये चेक कर सकते हो कालाम का व्यू। ये है व्यूअर्स कालाम का मेन बाजार। कालाम की खूबसूरती में अहम किरदार गाड़ियों का भी है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 50 और 60 लाख की गाड़ी मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 7 और 8 लाख रुपए में, तो आप लोग खूब इंजॉय कर सकते हो और वो भी बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी के साथ। और अभी ये लोग पैसे इकट्ठे करने वाले हैं सामान लेने के लिए, हाइकिंग के लिए आप लोगों को पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रास्ते में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। ग्रुप में एक कंजूस बंदा भी होना चाहिए क्योंकि वो आपको 300 वाला चीज देगा सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए में। सब कुछ महंगा महंगा, थोड़ा सा महंगा, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा महंगा, और आप जब कम बार्गेनिंग करते हो तो पैसे सस्ता मिल जाता है। बार्गेनिंग के लिए ये रखा। अच्छा, ये बार्गेनिंग में थोड़ा अच्छा है इसको बस्तों में क्या कहते हैं, शुभ पड़क वगैरह। 300 वाले के लिए इसने ले लिए सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए। अच्छा, तो ये सारे फ्रूट्स देखकर मेरा दिल तो करता है कि सब का जाओ, लेकिन क्या करे, पैसे नहीं है ना। तो अभी मैं ये पुल क्रॉस करना है, तो ग्रीन टॉप पे जाने के लिए आप लोगों को कालाम बाजार से ये पुल को क्रॉस करना होगा और ये आप जो सामने मीनारे देख रहे हो ये है कालाम का एक बहुत ही मशहूर मस्जिद। ये आप लोगों को एक खूबसूरत किस्म का ये नज़ारा मिलने जा रहा है, ये टेंट्स वगैरह लोगों ने लगाई हुई है। मौसम काफ़ी ठंडा होता है कालाम का, अगर आप लोगों ने गर्मी में जाना है तो भी बहुत ठंडा रहेगा और अगर आप लोगों ने सर्दी में जाना है तो फिर तो आपने बर्फ ही होना है। ये मैंने पहने हुए गर्म कपड़े लेकिन फिर भी मुझे चादर की ज़रूरत महसूस हुई। हम अभी आप जो है ना इस पुल को क्रॉस करेंगे और आप लोगों को ये खूबसूरत मंजर और ये वादियाँ हम अभी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। तो रेहान, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अभी हमारा भी फर्स्ट टाइम है एक्सपीरियंस करने का, ठीक है, क्या सिचुएशन है, तो मतलब क्या ख्याल है कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं? हमारा जो मतलब ये सुस्त बंदे, ठीक है। एक पुल को क्रॉस करने के बाद आता है रास्ते में दूसरा पुल और ये भी काफ़ी बेहतरीन व्यू पर है। यार कालाम तो व्यू है, मतलब आप लोगों ने जब भी आना है बिना झिझक के आप लोग आ सकते हो, लोग भी काफ़ी मेहमान नवाज और माहौल थे वैसे भी साफ सुथरा। सच बताओ तो 15-20 मिनट का फासला तय करके ही हम तो थक ही गए थे, रोड से नहीं आ रहे थे, ये शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, सुस्त बंदे शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, ये चक्कर, और अभी ये आ गया है। तो सुस्त लोगों के साथ मिलके ये बंदा भी बन गया है सुस्त। तो अभी किधर आ गए हम? पता नहीं, बस अभी फॉरेस्ट आ गए थे, ठीक है। ये स्टैंग का झटका नहीं होना चाहिए, ये अभी आप लोग देख सकते हो अभी बुलंदी इतनी नहीं है लेकिन पूरा कालाम आप लोगों को नजर आ रहा है और ये जीप्स वगैरह का रास्ता है, तो ये इजीली मतलब ये जीप्स वगैरह जा सकते हैं। पूरा कालाम का व्यू अभी आप लोग चेक कर सकते हो।
यार इधर कोई टाइगर वगैरह तो नहीं होते टाइगर कौन है आप लोगों में से। तो ये 5 मिनट की वीडियो देख के मुझे तो अंदाज़ा हो गया है कि आप लोगों को भी कलाम जाने का बहुत ही मन कर रहा है। तो वीडियो ख़त्म नहीं हुई, वीडियो को इन तक देखना, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। रास्ते में और लोग भी मिल गए जो कि वो भी चाहते थे कि हम भी पैदल जाए ग्रीन टॉप पे। यार काफ़ी बुलंदी पे आ गए हैं तो व्यू भी काफ़ी ज़बरदस्त। और ये दोनों जो सबसे सस्ते तरीन बंदे हैं इसने मुझे बैग भी पकड़ा है। जोर से एक चीख लगा अपने बोझ हल्का करे। ये है इन लोगों का जोर, एक ही खेला बंदर कहा बैठा। यार पता नहीं ये 1800 2000 या 2200 सीसी का ये जीप तो होगा जरूर, लेकिन ये भी नहीं आगे जा रहा है तो हमसे क्या गिला। तकरीबन एक घंटा हो गया है कि हम रवाना हो गए हैं लेकिन पहुंच नहीं रहे, अभी आधा रास्ता भी हमने तय नहीं किया। यार रास्ता काफ़ी मुश्किल है। आप लोग को एक बात बताओ, ये जो पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं ना, शूज़ की हालत चेक कर सकते हो नीचे से, मतलब ये स्लिप हो जाते हैं। काफ़ी ऊपर आ गए हैं, रास्ता काफ़ी ख़राब मुश्किल रास्ता है लेकिन आना तो पड़ेगा। यार आप लोगों से क्या छुपाएंगे यार, इस तरह से रास्तों के जरिए हम आ गए हैं जहाँ पर जानवर भी जाना पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। यार किस चीज़ के बगैर आए, जो हाइकिंग स्टिक है वो भी हम साथ नहीं लेके आए हैं कि पानी वगैरह भी नहीं है, खाने के लिए सिर्फ केले है। ओए, ओए, ओए। रास्ता इतना काफ़ी मुश्किल रास्ते से ये इन लोगों ने हमें इधर रवाना किया ना, कि काफ़ी मुश्किल रास्ता है, किसी की सोच में भी नहीं है ये रास्ता हमने इसलिए शो नहीं किया क्योंकि फिर आप लोग भी ये रास्ता इख्तियार करेंगे तो ये काफ़ी मुश्किल है। बाय रोड आओ, पैदल आओ, एक घंटा ज़्यादा लगेगा लेकिन पैदल आओ। हाय यार क्या हो गया इतना जोर, सबसे आखिर में आप पहुंचे हो और इतना जोर। कितने घंटों में पहुँच गए, 2 घंटे तो लग गए होंगे। ये बिस्किट दे दिए इन लोगों ने, सिर्फ 2 ही बिस्किट दिए हैं, 2 आप दे दो, 2 उस बंदे को दे दो, 2 ये पीछे वाले को, सॉरी बाइक को दे दो। तेरा नाम है। ये जो ग्रीन टॉप है इस पर पहुंचेंगे, बंदे पहले से भी मौजूद है मेरे ख्याल से, अल्लाह करे उधर कोई शॉप वगैरह होता कि हम कुछ खाए पिए। ज़बरदस्त खूबसूरत मंजर व्यू, और ये मैं भी आप लोगों को एक साउंड के साथ आप लोगों को ये सारा नज़ारा करवा देता हूँ। Artlist.io Music licensing reimagined. Artlist.io मशीन संग है क्लास मिलाओ का कैसे हो है कमजोरी तो कमजोरी। हाँ तो ये मेरे दोस्त हैं सारे और सब आ गए हैं ग्रीन टॉप व्यू, कहते हैं ग्रीन टॉप जो कि काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत। इधर से आप लोग व्यू चेक कर सकते हो, सारा कलाम आप लोग को नज़र आ रहा है, काफ़ी बेहतरीन।
तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।